हेलो फ्रेंड्स, पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिससे काफी मरीज परेशान होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। आज हम ब्लोटिंग या गैस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हमारे पास ब्लोटिंग के पेशेंट आते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल डिजीज तो नहीं है। इसके लिए हम कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स देखते हैं। ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं मोशन में खून आना, बहुत ज़्यादा डायरिया या दस्त लग जाना, पेट में बहुत दर्द होना, वजन कम होना, भूख का कम लगना, पैरों में सूजन आना या नाभि का बाहर निकल जाना। इन सब का मतलब है कि पेट में कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल डिजीज हो सकती है। जैसे अगर पैरों में सूजन है और नाभि बाहर निकल रही है, इसका मतलब है पेट में पानी हो सकता है और लीवर की दिक्कत हो सकती है। और यदि किसी को सीवियर डायरिया है, इसका मतलब है कि छोटी आंत की फूड को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम हो गई है। ऐसे मरीजों को सीलिएक डिजीज हो सकती है, जिससे कि गेहूं से एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा अगर मरीज को पेट में दर्द है, इसका मतलब इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पेट में गैस ट्रैप हो सकती है जिससे भी ब्लोटिंग हो सकती है। ऐसे मरीजों को पेट का ट्यूबरक्लोसिस या क्रोन्स डिजीज या फिर पेट का कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा यदि लैट्रिन में खून आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो इंटेस्टाइन में अल्सर है या इंटेस्टाइन का कैंसर भी हो सकता है। और यदि किसी का वजन कम हो रहा है, इसका मतलब कि पेट का टीबी हो सकता है या पेट का ट्यूमर हो सकता है। यदि हमें डाउट होता है कि कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल इलनेस है, तो ऐसे मरीजों का हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, कहीं पेट में पानी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो पेट में अल्सर या ट्यूमर हो सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, कहीं लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं है। हम पेट का सीटी स्कैन करते हैं, कहीं इंटेस्टाइन में कोई रुकावट तो नहीं है। कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं, कहीं पेट में कोई अल्सर तो नहीं है। इसके अलावा हम गेहूं की एलर्जी का ब्लड टेस्ट करते हैं और एंडोस्कोपी करके बायोप्सी भी लेते हैं। दूसरी तरफ अगर मरीज को अलार्मिंग सिम्टम्स नहीं है तो किसी भी तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं है। हम कुछ सिर्फ बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं और ऐसे मरीजों को मोस्ट लाइकली लाइफस्टाइल या टाइप रिलेटेड ब्लोटिंग होती है, जिसे हम फंक्शनल ब्लोटिंग बोलते हैं, जिसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। तो फंक्शनल ब्लोटिंग के क्या क्या कारण है? दोस्तों, यहाँ आप हमारी छोटी और बड़ी आंत को देख सकते हैं। तो ब्लोटिंग का रिलेशन हमारी छोटी और बड़ी आंत से है। तो छोटी आंत में हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, इसके बाद जो बचा हुआ खाना है बड़ी आंत में जाता है, जहाँ इसका वेस्ट बनता है। तो ब्लोटिंग के दौरान जो गैस प्रोडक्शन होती है, या तो छोटी आंत में होती है या फिर वो बड़ी आंत में होती है। अब हम समझते हैं ब्लोटिंग किन किन कारणों से हो सकती है। पहला कारण है एयर स्वेलो। दोस्तों, कई बार हम एयर स्वेलो करते हैं और वो एयर हमारी छोटी आंत में चली जाती है, जिससे कि ब्लोटिंग की सेंसेशन होती है। तो हम इस एयर स्वेलो को कैसे रोक सकते हैं? पहला, हमें खाना खाते हुए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोला ड्रिंक्स या बियर, ये सब नहीं लेने हैं। खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। इसके अलावा हमें स्मॉल मील लेनी है और कम से कम उसको 20 से 30 मिनट तक खाना है। खाने को अच्छे से चबाना है ताकि उसका डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाए। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इससे भी गैस बन सकती है। इसके अलावा हमें खाना खाते हुए बातें नहीं करनी है, खाना खाते हुए टीवी या मोबाइल नहीं देखना है। यदि हम ये सब फॉलो करते हैं तो हम एयर स्वेलो को रोक सकते हैं। ब्लोटिंग का दूसरा कारण है हमारे पेट में गैस ज़्यादा बनना। तो ये गैस या तो हमारी छोटी आंत में बन सकती है या बड़ी आंत में बन सकती है। हमारी बड़ी आंत के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, या तो वो गैस को एब्जॉर्ब करते हैं या गैस को रिलीज करते हैं। यदि हमारी आंत में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गैस को रिलीज करते हैं, तो इसे हम डिसबायोसिस बोलते हैं। इससे भी हमें ब्लोटिंग की सेंसेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, इसका मतलब है कि वो स्टूल बड़ी आंत में काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, जिससे कि गैस ज़्यादा बनेगी और मरीज को ब्लोटिंग होगी, तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है ताकि बड़ी आंत के अंदर गैस कम बने। और दवाइयों से, जिसे हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बोलते हैं, से हम बड़ी आंत के बैक्टीरिया को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे खाने में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं,
से भी गैस बन सकती है। जैसे दोस्तों कुछ लोगों को लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, यदि ये मरीज लैक्टोज लेते हैं, लैक्टोज एक शुगर है जो कि दूध में होती है, तो यदि वो मरीज लैक्टोज लेता है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और लैक्टोज बड़ी आंत में चला जाता है जहाँ की उससे गैस बन सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट शुगर है जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कुछ डायबिटिक पेशेंट शुगर फ्री टैबलेट लेते हैं, इनके अंदर ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और ये बड़ी आंत में पहुंचते हैं जिससे कि गैस बन सकती है। इसके अलावा च्युइंगम्स और कैंडीज, इनके अंदर भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जिससे कि गैस बन सकती है। तो जिन लोगों को गैस बनती है उनको शुगर फ्री टैबलेट, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं लेने हैं। और अगर मरीज का डाइजेशन कमजोर है, ऐसे मरीजों को हम एंजाइम सप्लीमेंट देकर भी उनका डाइजेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। और यदि फिर भी गैस बनती है तो एक फूड मैप डाइट होती है जिसके अंदर हम फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बिल्कुल कम कर देते हैं। फूड मैप डाइट के लिए मरीजों को पत्ता गोभी, फूल गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, अनियन, गार्लिक, वाटरमेलन, पियर, प्लम, ये सब अवॉइड करना है। इसके अलावा बीन्स और लेग्यूम्स जैसे चने, मटर, राजमा, ये सब अवॉइड करने हैं। इसके अलावा मीठे फ्रूट जैसे कि मैंगो, लीची, ये नहीं खाने हैं। एग प्लांट या बैंगन, ये नहीं खाना है। इसके अलावा इनसोल्युबल फाइबर, दोस्तों यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इनसोल्युबल फाइबर उसको हेल्प करते हैं, परंतु इनसोल्युबल फाइबर से गैस भी ज़्यादा बनती है। तो अगर मरीज को ब्लोटिंग है तो उसे डाइट में सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा लेने हैं। सोल्यूबल फाइबर जैसे कि हमारे राइस में ज़्यादा सोल्यूबल फाइबर होता है, तो ब्लोटिंग के पेशेंट को सोल्यूबल फाइबर ज़्यादा लेना है और इनसोल्यूबल फाइबर कम लेने हैं। सबसे ज़रूरी है अपनी डाइट डायरी मेंटेन करना। तो मरीज को एक डायरी में लिखना है कि उसने उस दिन क्या खाया। जिन चीज़ों से गैस ज़्यादा बनती है उन फूड प्रोडक्ट्स को टोटली अवॉइड करना है। इसके अलावा गैस बनने का एक और कारण है हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया होना, जिसे हम सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बोलते हैं। दोस्तों नॉर्मली हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, परंतु तो कुछ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज या उम्र ज़्यादा होने के बाद छोटी आंत में बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। इनसे भी अगर छोटी आंत में बैक्टीरिया ज़्यादा है तो ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे जिससे कि गैस बनेगी। ऐसे मरीजों को हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि हम छोटी आंत के बैक्टीरिया को कम कर सकें। ब्लोटिंग या गैस का अगला कारण है इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम होना। दोस्तों अगर हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम है तो उसमें गैस ट्रैप हो जाती है जिससे कि हमें ब्लोटिंग की सेंसेशन होती है। उम्र बढ़ने के साथ या डायबिटीज होने से या थायरॉयड होने से पेट की मूवमेंट कम हो जाती है और इंटेस्टाइन के अंदर गैस ट्रैप हो जाती है। तो हमें ऐसे पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज, थायरॉइड के डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना है और पेट की मूवमेंट बढ़ाने के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यदि हमारी लिमिटेड एक्टिविटी है उस केस के अंदर भी हमारी इंटेस्टाइन कम चलती है, मूवमेंट कम हो जाती है। तो यदि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे भी हम इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ब्लोटिंग का एक और कारण है कि हमारे इंटेस्टाइन का सेंसिटिव हो जाना। यदि हमें ओबेसिटी है, ओबेसिटी का मतलब है पेट में फैट ज़्यादा है और ये फैट इंफ्लेमेटरी होता है और इंफ्लेमेशन होने से हमें नॉर्मल गैस भी ज़्यादा सेंस होती है। तो यदि किसी को ओबेसिटी है, अगर 10% वजन कम करते हैं तो ब्लोटिंग के अंदर हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। वजन कम करने के लिए हम डाइटरी एडवाइस देते हैं, एक्सरसाइज की एडवाइस करते हैं, और इसके अलावा अगर इससे भी वजन कम नहीं हो रहा है हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर या सर्जरी से भी वजन कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस होने से भी इंटेस्टाइन की सेंसिटिव बढ़ जाती है। इसे हम ब्रेन गट एक्सिस की एक्टिविटी बोलते हैं। यदि हमारे ब्रेन में स्ट्रेस है तो उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमारी इंटेस्टाइन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उससे हमें ब्लोटिंग की सेंसेशन होती है। तो इंटेस्टाइन की सेंसिटिविटी कम करने के लिए हमें वजन कम करना है और अपना स्ट्रेस को अवॉइड करना है। यदि हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, इससे हमारी इंटेस्टाइन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। प्रोटीन का एक और कारण है
गैस का पास नहीं होना। दोस्तों कुछ मरीजों को नॉर्मल गैस बनती है परंतु वो गैस पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे मरीजों की हम एक टेस्ट होता है एनोरेक्टल मेट्रोस्कोपी करके देखते हैं और अगर मरीज गैस पास नहीं कर रहा है ऐसे मरीजों को हम बायोफिल्टर थेरेपी की सलाह देते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ब्लोटिंग किस कारण से होती है, ब्लोटिंग के सीरियस कारण क्या है और लाइफस्टाइल और डाइट से हम ब्लोटिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूल में ब्लड आने के कारण क्या है, IBS को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण। थैंक यू।